तो आप देख रहे हैं ये हमारे स्कूल के ट्रिप, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि पिकनिक जाने की तैयार हैं। और पहाड़ी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भगवान शिव शंकर का मंदिर है ऊपर। अभी हम इस पर जाएंगे और दर्शन भी करेंगे। और ये हमारे सारे बच्चे और टीचर स्टाफ जो है बड़ा उत्सुक है ऊपर जाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। और सभी बच्चों ने बराबर डिस्टेंस लिया हुआ है, मास्क भी पहना हुआ है। और कोविड-19 काल में सभी लोगों ने जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया हुआ है। तो अब हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सामग्री है बच्चों के लिए, खाने पीने का जो आइटम है, ये सब सामग्री को लेकर के हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो बोलिए बच्चों, सभी लोग एक साथ बोलो शिव शंकर भगवान की हर हर, हर हर, हर हर। बोलो शंकर भगवान की हर हर, हर हर। बोलो शंकर भगवान की। अब हमने पहाड़ी को चढ़ना प्रारंभ कर दिया है। आप देख पा रहे हैं सीढ़ियां, और बच्चे भी हमारे साथ सब सामग्री लेकर चढ़ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। दूरी बना के चलना बेटा, सब लोगों को दूरी बना के। दूरी बना के रखना है सब लोगों को। ये हमारी मोहल्ला क्लास के बच्चे हैं जो कि हमारे ग्राम में 3 जगह मोहल्ला क्लास लगती है। सब बच्चों को हमने तैयार किया है। ग्राम के कुछ उत्साही युवक युवतियां भी हैं हमारे साथ बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। ये हमारे कुछ बच्चे सीधे टापू पर चोटी पर पहुंच चुके हैं। कुछ टीम हमारे पीछे से आ रही है पॉकेट में पानी लेकर के, बहुत ही परिश्रम करते हुए परंतु उत्सुकता देखते ही बन रही है सब लोगों की। दौड़ी पहाड़ की चोटी पर हम लगभग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा आसपास का दृश्य भी दिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा ये आसपास के गांव, आप देख रहे हैं ये सामने मिर्ची टोला जहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है, भगवान हनुमान जी का मंदिर। और इस तरह ग्राम करकोटी, पातरफोड़ी, इधर नए गांव, सभी गांव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दौड़ी पहाड़ के शीर्ष पर चोटी पर भगवान भोले शंकर का मंदिर, और अभी निर्माणाधीन है, इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। आज आप इस पहाड़ी के ऊपर से आसपास का मनोरम दृश्य भी देखेंगे। मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा, और हम पिकनिक भी हमारे बच्चों के साथ में यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, बच्चों को कुछ शिक्षा दीक्षा भी देंगे और जानकारी भी देंगे। माता काली का स्टैचू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, माँ काली की मूर्ति। यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा बरगद का पेड़ संदीप कुमार खारे के द्वारा लगाया गया है,
देखिए पानी दे रहे हैं। अभी यह छोटा सा पेड़ है, पौधा है, भविष्य में बहुत बड़ा अगर पेड़ बनता है तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए काफ़ी छायादार वृक्ष बनेगा और काफ़ी रमणीक स्थान बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं भव्य मंदिर आप देख पा रहे हैं, और ये हमारे पर्यावरण के लिए, ये आप देख रहे हैं हमारे बच्चे दूरी बनाकर टीम में बैठे हुए हैं और अब हम पिकनिक का यहाँ पर आनंद लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं, इसके पश्चात हम अपना आगामी कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। सारे बच्चे पूजा के लिए जाते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वर्कर लोग बेचारे अभी मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें कार्य कर रहे हैं। संभव है इस वर्ष यह जो कार्य है पूर्ण हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर बजा लो, बजाओ घंटा बजाओ। भगवान भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर, क्योंकि अभी कार्य निर्माणाधीन है मंदिर का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और फिर सफाई कर लीजिए पहले, है ना, ऐसा ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 हर। बोलो शंकर भगवान की। मंदिर वो देखो शायद वो टूरिस्ट गिन का टेंट है वो तालाब के पास। ये देखो ये टेंट दिख रहा है।
और इसी तरह तुम देखे होगे सूरज को देखो सूरज को देखोगे तो सूरज छोटा दिखाई देता है, बहुत बड़ा है। चंद्रमा भी बहुत बड़ा है। तुम बात बताते हो कौन सा गाँव है मालूम है देखो कौन सा गांव है मेरा पिपलिया। वहां पर देखो बाहर पे वो टावर दिख रहे हैं ना, वो टावर जूम करो बेटा, वो टावर दिख रहे हैं, वो टावर के पास वाला ही गांव जो है मेरा पिपलिया है। लुमसा कौन सा है? हाँ ये इसी के बाजू में दिख रहा है ये लुमसा, ये इधर देखो इसके बाजू में घुरवाड़ा देखो, ये घुरवाड़ा गाँव है। और इधर देखो इधर कौन सा गाँव है? करकोटी है ना। अच्छा देखो तुम आस पास तुमको पहाड़ी पहाड़ी दिख रही है, पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ी दिख रही है कि नहीं? Yes. देखो वहां से वहां तक पूरी पहाड़ी, वो देखो पहाड़ी पूरा ऐसा लग रहा है कि आप पूरे पहाड़ी से घिरे हुए हैं, लग रहा है। Yes. ये जो है ना बेटा ये करिया पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है? इधर ये करिया पहाड़, ठीक है। और यहाँ तुम देखोगे तो ये छोटे छोटे तालाब दिखाई दे रहे हैं, तालाब है ना। यहाँ देखो रोड बनी पहाड़ी पर आने के लिए, ये रोड। ये देखो अपना जो स्कूल है दिखाई दे रहा आपको, कहाँ है वो? है आगे देखोगे वो बरगद का पेड़ है और वहाँ दिखाई दे रहा है अपना गांव मिर्ची टोला है ना। और इधर देखोगे तो ये कौन सा गांव है? करकोटी। भगवान के द्वारा क्या बनाई जाती है? देखो प्रकृति से आशा ये है कि पेड़ पौधे मिट्टी पानी है ना, जो अपने आप बना है, ठीक है। अर्थात जिसको भगवान ने बनाया है वो सब क्या कहलाता है? प्रकृति। तो ये प्रकृति ही है, सारे पौधे जो दिख रहे हैं ये सब अपने आप उगे हैं और सुंदर लग रहा है ना। घूमे हमने आसपास, सबसे ज्यादा हरियाली किधर देखी आपको? इधर दिख रही हरियाली सबसे ज्यादा दिख रही है ना। तो देखो हमको अपनी धरती को हरी भरी क्यों बनाना चाहिए बताओ? धरती को हरा भरा क्यों बनाना चाहिए? ऑक्सीजन के लिए, बिल्कुल सही भाई। अगर हम धरती को हरा भरा नहीं बनाएंगे भी नहीं होगी, क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो फिर सबका जीवन कैसा होगा? नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। सब ठीक है, डाल दो। चलिए ये है मटर, चलिए अब टूर की वापसी हो रही हमारी। आराम से बेटा, आराम से आइए।